गुड मॉर्निंग, नमस्कार और हैप्पी नवरात्रा 2024 अप्रैल वाले। आज पहला नवरात्रा है, बहुत शुभ दिन है। और मैं विवेक गुप्ता, करियर काउंसलर एंड मेंटर, मच बियॉन्ड MBBS काउंसलर एंड डेफिनेटली नॉट MBBS एजेंट। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड फिर से वापस आ गया है, विच मीन्स कि वही आज पहला नवरात्रा है। तो शायद आप इसे मेंटल ब्लॉक कह लीजिए, टारगेट कह लीजिए, कि जो मैं एक्सीडेंट हुआ था मेरा 28 फरवरी की शाम को जयपुर में, जहाँ मैं MBBS कॉलेज से मिलने ही गया हुआ था आप लोगों के लिए। तो कुछ ऐसा था कि भाई 31 मार्च तक प्रॉपर रेस्ट लूँगा और 1 अप्रैल से मैंने चलना शुरू कर दिया था, लोकल था वॉकर और की मदद से। और एक मन में टारगेट था कि जनरली वैसे मैं बहुत थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा भक्त हूँ माता रानी का, हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ। तो पहले नवरात्रे को मेरे को यह था कि प्रॉपर मैं नहा धो के सुबह 10 बजे लाइक अ टिपिकल नॉर्मल वर्किंग डे ऑफिस में बैठ जाऊँगा, और बैठ गया हूँ। और एक खबर भी आई थी कल, सोचा आपसे शेयर कर दूँ और साथ में हमारी इंटरप्रिटेशन। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, खबर ये है कि नीट की फिर से 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन अलाउड है, 9 तारीख मतलब आज से, कल से लेकर परसों तक, जो आज तो अभी सॉरी 9 हो गई है ना, तो आज और कल है ना, से कल रात तक अलाउड किए गए हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत ही विरले लोग होंगे जिन्होंने, मेडिकल एस्पिरेंट होंगे जो नीट का फॉर्म नहीं भरा। तो असेंशली ये 2 दिन की विंडो खोली जाती है। मैं आपको सच बताऊँ, वाकई कोई या तो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है जो भूल गया था और वो अप्रोच करता है, या कभी एक बार होता है कि बच्चों ने पहले सोचा होता है कि नीट का पेपर नहीं देंगे, अब ले लिए। और तीसरा ये भी होता है समटाइम ना, इट एनकरेजेस यू। आप हंसोगे सुन के, पर देखिए जब आप फीस देते हैं 1700 रुपये, तो वो भी तो एक कमाई है ना पेपर कराने की। तो क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले सोच रहे थे कि नहीं भरेंगे नीट का फॉर्म, लेकिन जब देखते हैं विंडो सामने खुली हुई है 2 दिन के लिए, तो कई लोग जो ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट ईयर ही देंगे, उन्हें लालच आ जाता है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद डेट खोली गई है, राइट। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि जो लोग भूले भटके लोग हैं वो भी दे लें। ये सब मैंने इसलिए आपको बताया है कि दैट मीन्स कि ऐसा पक्का नहीं है कि पेपर पोस्टपोन होने वाला है। पेपर पोस्टपोन होने का मेरे हिसाब से तो 0 चांस है, और पेपर 5 मई को ही होगा, जस्ट बिकॉज कि अब 2 दिन के लिए विंडो खुली है, तो वो लेट होगा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इनको एक एक दिन ही लगता है, तो ये जो एडवांस डेट है, एडमिट कार्ड है, ये सब 3-3, 4-4 दिन पहले आता है, राइट। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सर अरे आज तो 10 अप्रैल को तो ले ही रहे हैं, 5 मई को पेपर है, कैसे मैनेज करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर ने करना है। तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ में मत रहिए कि पेपर पोस्टपोन होगा, पेपर वैसे ही रहेगा जैसे होना है, विच इज़ 5 मई। और ये भी मेरा मानना है, क्योंकि इन्होंने फॉर्म निकाला ही था रिपोर्ट थोड़े दिनों पहले कि भाई फलाना नंबर ऑफ लोगों ने फॉर्म भर दिया है, मेरी अपनी रीडिंग है कि मैक्सिमम आप देखेंगे 1000-1500 से ज़्यादा लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। तो इनके तरफ से देखिए, 2000 रुपये 1000 बच्चे भी दे दें तो 2 लाख रुपये की कमाई हो रही है ना। तो सबसे बड़ा पर्पस तो यही होता है, हर साल ही ऐसा होता है, हर साल खुलता है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। जैसे भी कर्नाटका ने भी करीब करीब 4थी बार भी खोल दिया, तो वो बच्चों के लिए नहीं होता, समटाइम वो यही होता है। और कई मैंने भी जो पहले सो रहे थे, अचानक कहते हैं कि सर जो किस्मत ने साथ दिया कि दोबारा खुल गया फॉर्म, तो चलो भर ही देते हैं, अभी तक नहीं भर रहे थे। तो उस चक्कर में ये भी एक रेवेन्यू कलेक्शन करने का तरीका होता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ये मत सोचिए, बच्चे पेरेंट ये उम्मीद मत लगाइए पेपर पोस्टपोन होगा। मैं हमेशा समझाता हूँ कि पेपर पोस्टपोन की उम्मीद लगानी क्यों है, जो तैयारी करनी थी अभी तक आप कर चुके हो। कोई साल ड्रॉप करके पढ़ रहा है, कोई 2 साल ड्रॉप करके पढ़ रहा है, जो फ्रेशर है वो वैसे भी 2 साल से पढ़ रहा है डमी स्कूल में जाके, तो ऐसा क्या ही मिल जाएगा हफ्ता पोस्टपोन करके। बल्कि समय से पेपर हो, समय से रिजल्ट आए, समय से काउंसलिंग हो, जो कि मैं पिछले 3 साल से नहीं हो पा रही जब से कोविड आया है, और लास्ट जब कोविड था भी नहीं तो भी आपको पता ही है कि रो रो के इन्होंने अक्टूबर तो कर ही दिया था, और आखिरी राउंड फिर जाके 15 नवंबर को किया था। और मैं दिल से चाहता हूँ कि इस बार सब कुछ सिस्टम से चले, जून में रिज़ल्ट आ जाए, 15 मिड जून तक काउंसलिंग स्टार्ट हो, और 1 सितंबर तक या मैक्सिमम 1 अक्टूबर तक तो क्लासेस सब बच्चों के स्टार्ट हो, राइट, ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, ना आप अपने एक रूटीन में पढ़ाई करें और एक अच्छे डॉक्टर बने। तो बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाइए पेपर पोस्टपोन होगा, पेपर टाइम से ही होगा, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप जानते ही हैं, ये मैं फिर से कहूँगा कि जब बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए सरकारी सस्ता कॉलेज का कंपटीशन बढ़ेगा,
नीचे वाले बच्चों के लिए पैसे देके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का भी बढ़ेगा दिक्कत। लास्ट ईयर के हिसाब से काफ़ी कुछ अब मेरिट पे मिल रहा है। कुछ ही स्टेट्स हैं, कुछ ही कॉलेजेस हैं जहां पर अभी भी आपके पास सीट बुक करने का या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट लेने का चांस है, लेकिन मेजोरिटी जगह वो चांस ख़त्म हो चुका है। वीडियो में ये बताना बहुत मुश्किल है कहाँ पर है, लेकिन कहाँ पर नहीं है ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। ओके, सो चलो एक वीडियो बना देता हूँ उसका अलग से। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और आप हमसे संपर्क करना चाहें, हमारी सर्विसेज लेना चाहें, आप जानते ही हैं 9643362320 पे आप कॉल करेंगे, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम कोई SMS नहीं भेजते, किसी को कॉल नहीं आती GK वर्स से, और सिमिलरली जब आप भी हमें फ़ोन करते हैं तो वी डोंट डू फ्री काउंसलिंग, वी ऑलवेज चार्ज इवन फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग। 2500 रुपये फेस टू ऑनलाइन काउंसलिंग के, 5000 रुपये फेस टू फेस काउंसलिंग के, और यही काउंसलिंग फिर जो फीस है जो आप फाइनल पैकेज लेते हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। कुछ लोग पैकेज नहीं भी लेते हैं, वो जो मेरा 5000 का सेशन होता है वही बहुत गुड इनफ होता है फॉर पीपल टू डू द एंटायर वर्क ऑन देयर ओन एंड आई डोंट माइंड। कई फैमिली आती हैं जो काफ़ी एजुकेटेड या जागरूक होते हैं, या पिछले 2 साल से वो ट्रैक कर रहे होते हैं यूट्यूब देख देख के, तो कहते हैं सर 90% हमें सब पता ही है, आप एक सेशन से बाकी 10% पता चल जाएगा। सो ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक सेशन लेते हैं और फिर वो अपने आप काम करते रहते हैं। बट वैसे लोग और बाकी लोगों को फिर भी मेरी सलाह रहेगी, घर में भी एक नहीं दो जने बैकअप रखिए। जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मेरा एक्सीडेंट और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको एक बैकअप के बारे में ज़रूर बताना चाहिए कि देयर कैन ऑलवेज बी अनफोर्सीन सरकमस्टांस, तो उसको प्लान हमेशा कीजिए। जो कहते हैं डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी भरतरी कहावतें आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, उन कहावतों पे का एक्चुअली मतलब होता है, उनको सीरियसली लीजिए, उनको समझिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।